बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो सिवनी में पेट्रोल पंप को लेकर अफवाह उड़ी हुई है और कल से पेट्रोल ना मिलने की अफवाह को लेकर बताया जा रहा है कि हिट एंड रन कानून को लेकर कल से देशव्यापी हड़ताल शुरू होने वाली है और इसी को लेकर साइड इफेक्ट यहां पर देखने को मिल रहे थे। बहरहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बालोद से खबर है जहां News24 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। छिंदगांव ग्राम पंचायत में लाखों की हेराफेरी के बाद एक्शन हुआ है। CEO रेणुका श्रीवास्तव ने 3 सदस्यीय टीम गठित की है और 3 सदस्यीय टीम पंचायत के लिए दी गई राशि की जांच करेगी। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर 15 लाख रुपए उड़ाने का आरोप लगाया है। देर रात तक सरपंच और सचिव के खिलाफ यहां पर नारेबाजी भी की गई थी। पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हो गए। News24 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर। CEO रेणुका श्रीवास्तव ने 3 सदस्यीय टीम यहां पर गठित की है तो पंचायत में लाखों रुपए की हेराफेरी का आरोप यहां पर स्थानीय लोगों ने लगाया था। अब पंचायत के लिए जो राशि अलाट की गई है उसको लेकर यहां पर जांच की जाएगी। तो ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर 15 लाख रुपए की गड़बड़ी का आरोप यहां पर लगाया है और आपके अपने चैनल News24 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। छिंदगांव ग्राम पंचायत में लाखों की हेराफेरी के बाद अब प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। CEO रेणुका श्रीवास्तव ने इस मामले की जांच को लेकर 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। अब यह पंचायत के लिए दी गई राशि की टीम जांच करेगी। देर रात तक सरपंच और सचिव के खिलाफ यहां पर नारेबाजी भी हुई थी और पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए थे।